एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टू ब्रोमो पेंटेन, वन टू टू ब्रोमो पेंटेन की रिएक्शन एल्कोहलिक कवच की प्रेजेंस में होती है तो हमें टू प्रकार की इन प्राप्त होती है। पेंट वन इन, वन पोजीशन पे इन है पेंट वन इन, और टू पोजीशन पे इन है तो पेंट टू इन प्राप्त होती है। इनका परसेंटेज रेशियो 90% और 81% होता है। तो यह सेट सेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। सेफ रूल कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन परमाणु में एल्की ग्रुप अधिक संख्या में हो। यहाँ पे अधिक संख्या में है इसकी अपेक्षा, तो यह अधिक मात्रा में बनती है। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो हमें RMgX जो कि गिनियार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है वो प्राप्त होता है। गिनियार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है और इससे बहुत सारे कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं। RMgX गिनियार्ड रिएजेंट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें मैग्नीशियम डेल्टा डेल पॉजिटिव नेचर का होता है और डेल नेगेटिव नेचर का हैलाइड और एल्केन ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है। RMgX की क्रिया जल से करवाई जाती है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से करवाई जाती है तो हमें ऑप्टेंट होता है डाई एल्किल जिंक। यह रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। इसे डाई एल्किल जिंक को फ्रैंकलैंड अभिक्रमक के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रमक निम्न में से हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डाई एल्किल जिंक जो होता है वो फ्रैंकलैंड अभिक्रमक होता है। अब मैं बात करता हूँ एथिल क्लोराइड की क्रिया लेड से करवाई जाती है तो हमें टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है। ये टेट्रा एथिल लेड जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है। यहाँ पे मेथिल क्लोराइड की क्रिया लेड से करवाई जाती है तो टेट्रा मेथिल लेड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे टेट्रा एथिल लेड और टेट्रा मेथिल लेड दोनों ही कंपाउंड एंटी नॉकिंग एजेंट है, अप स्पॉट रोधी है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब मैं बात करता हूँ एल्किल हैलाइड की क्रिया जो कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकिल और पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में करवाई जाती है हाइड्रोजन से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन तो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई जाती है तो भी एल्केन प्राप्त होता है। एथिल आयोडाइड की क्रिया HI से करवाई जाती है जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है और आयोडीन निकल जाता है। इस रिएक्शन को बर्थलो अभिक्रिया या विधि कहते हैं, बर्थलो विधि कहते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर तो हमें फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच।